हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आज है 10 फरवरी 2020। आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक हमारे पर डे की तरह रहेंगे। पहला रहेगा मोटिवेशन कोड जो आपको मोटिवेटेड करेगा। वन लाइनर न्यूजेज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, स्पेशल नॉलेज को भी हम डिस्कस करेंगे। स्टेट में बेस्ट बंगाल आज अगेन डिस्कस करेंगे। अब हमने डिसाइड किया है कोई भी स्टेट 2 डेज हम डिस्कस किया करेंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाए और आपको याद भी हो जाए। स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी डिस्कस कर लेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे। मोटिवेशन कोड देख लेते हैं आज का क्या है। अच्छे इरादों से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ठीक है। अगर आपके इरादे नेक हैं और आपने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की है तो वो बेकार जा ही नहीं सकती। अगर आप सफल होने में थोड़ा बहुत चूक रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो मेहनत है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है, इसीलिए आप असफल हो गए, ठीक है। तो अपनी जो मेहनत है वो निरंतर और ईमानदारी से करते रहिएगा, देखिएगा आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं वन लाइनर न्यूज़ क्या रहेंगी। अर्थव्यवस्था से पहली न्यूज़ रहेगी, दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी के साथ भारतीय एयरटेल के विलय को मंजूरी दे दी है। तो टाटा ग्रुप ने एयरटेल के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने रक्षा उपयोग के लिए मानव रहित हवाई वाहन बनाने के लिए अमेरिकी आइडिया फोर्ज कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एक भारतीय कंपनी है जिसने अमेरिकी आइडिया फोर्ज कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्यों किए हैं? कि मानव रहित हवाई वाहन बनाने के लिए। तो लॉर्सन एवं टुब्रो कंपनी ने अमेरिकी आइडिया फोर्स कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अपने दीर्घकाल के रेपो ऑपरेशन की पहली किस्त 17 फरवरी 2020 को 3 साल के कितनी राशि के रेपो के साथ शुरू करेगा। इसके बाद 24 फरवरी 2020 को उतनी ही राशि के लिए पहली किस्त प्रस्तुत करेगा। तो 25,000 करोड़ रुपए की जो है पहली किस्त वो जारी कर देगा। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ रहेगी, वार्षिक थाई पुष्यम उत्सव का उद्घाटन 8 फरवरी 2020 को कहाँ हुआ है। तो हुआ है बाटू गुफा मंदिर कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर, ओके। राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते, इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये विषय रहा है। इस विषय के तहत आयोजित की गई राष्ट्रीय शासन सम्मेलन 2020 8 फरवरी को किस शहर में संपन्न हुआ है। तो ये हुआ है मुंबई के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रक्रिया में बदलाव के लिए दिए गए राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2020 के स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं। तो ये बने हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आयोजना, आरोग्य योजना के लिए, ठीक है। अब डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया में बदलाव के लिए, आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं, डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया में बदलाव के लिए राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2020 के लिए स्वर्ण पदक के विजेता कौन हैं, कौन सी संस्थान है। तो वो है, कौन सी मिनिस्ट्री है, तो वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, और ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए दिए गए राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2020 के स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं। तो वो बने हैं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हरियाणा का अंत्योदय सरल हरियाणा, ठीक है। अब इसके कीवर्ड्स क्या हैं, नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए दिए गए राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2020 के लिए स्वर्ण पदक के विजेता कौन बने हैं। तो वो बने हैं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हरियाणा का, तो और अंत्योदय सरल हरियाणा की जो योजना है उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नागरिक केंद्रित सेवाओं पर उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए दिए गए राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2020 के स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं। तो स्वर्ण पदक विजेता क्यों मैंने हैं उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए, IIT रुड़की, जो कि इनकी जो कृषि आधारित सूचना प्रणाली है उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभरते तकनीक को अपनाने में उत्कृष्टता के लिए दिए गए राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2020 के लिए स्वर्ण पदक विजेता कौन है। तो वो हैं तेलंगाना सरकार, टी चिट्स पंजीकरण एवं टिकट विभाग, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का तीसरा संस्करण 29 फरवरी तक किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इंडिया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का तीसरा संस्करण जो है 29 फरवरी को किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मुंबई में आयोजित बैंकिंग तकनीक पर सम्मेलन में बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स के लिए किस ग्रामीण बैंक को पुरस्कार दिया है? तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मुंबई में आयोजित बैंक तकनीक पर सम्मेलन में बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स के लिए चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक को पुरस्कार दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कहाँ पर खेले गए 64वें बोक स्काई मेमोरियल टूर्नामेंट में 5 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त कर दिया है? तो भारत द्वारा किस जगह पर 64वें बोक स्काई मेमोरियल टूर्नामेंट हुए हैं? तो वो हुए हैं हंगरी में, डेवरेशन जगह पर। ओके, तो ये कौन कौन खिलाड़ी रहे थे यहाँ पर? तो गौरव चौहान थे, जिनका 51 किलोग्राम में इन्होंने रजत पदक जीता है, और ज्योति गुलिया जी थी, वो 51 किलोग्राम में इन्होंने रजत पदक जीत लिया है। अब आपको याद ये रखना है, 64वें बोक स्काई मेमोरियल टूर्नामेंट कहाँ पर हुए थे? तो कहाँ पर हुए थे? हंगरी में। हंगरी की कैपिटल होती है बुडापेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक की अवधि में खेली गई 8 संघों की एक दिवसीय प्रतियोगिता में विजयी बढ़त हासिल करने के लिए किस देश को ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी दी गई है? तो दी गई है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आप सभी को पता होनी बहुत आवश्यक हो जाती है, कैनबरा होती है, और यहाँ की करेंसी होती है डॉलर। ओके, अब राज्य विशेष से न्यूज़ देख लेंगे। 13वां JDCA अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर ओडिशा में ये फिल्म महोत्सव है जो आयोजित किया गया है। ओडिशा की कैपिटल होती है भुवनेश्वर। यहाँ के CM अगर पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे नवीन पटनायक जी। और अगर राज्यपाल पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे गणेशी लाल। ओके, और ओडिशा का जो व्हीलर द्वीप है उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक, और जो ओडिशा का चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 फरवरी को किस शहर में 3 दिवसीय लद्दाख शिखर परिषद आयोजित किया जाएगा? तो ये लेह में आयोजित किया जाएगा। अब लेह क्या है? लद्दाख की है कैपिटल, और लद्दाख अभी हाल ही में बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है लेह, इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। इसी दिन को जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 में मुंबई में। ओके, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना हुई 23 मई 2018 को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत भी वर्ष 2018 के अंतर्गत की गई थी। मलेशिया की बात हुई थी तो मलेशिया की जो कैपिटल होती है वो होती है कुआलालंपुर, और वहाँ की जो करेंसी होती है उसे कहते हैं रिंगिट। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, आप अगर फेसबुक पेज और इंस्टा पेज पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप टिकटॉक और हेलो ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप खबरी ऐप पर ऑडियो क्लिप सुनना चाहते हैं, वीडियो नहीं देखना चाहते, तो आप खबरी ऐप पर ऑडियो सुनिए, वहाँ इस करंट अफेयर्स का आपको ऑडियो क्लिप मिल जाएगा, वहाँ पर भी फॉलो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वेबसाइट डेलीमोशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हर जगह आपको तैयारी विग्नर्स की के नाम से आपको हमारा अकाउंट प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं PDF प्राप्त करने के लिए, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जो भी क्लासेस होती हैं उनकी PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी, आप अपने नोट्स आसानी से बना सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। तो पहली न्यूज़ है, मनोज दास को मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मनोज दास को। ओडिया और अंग्रेजी लेखक जो मनोज दास हैं उन्हें मिस्टिक फिलिंग कलिंग फेस्टिवल में मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार भारतीय और वैश्विक भाषा प्राप्त किया है। उन्हें यह पुरस्कार 8 फरवरी को भुवनेश्वर में साहित्यिक सांस्कृतिक समारोह में मिला। इस पुरस्कार के साथ 1 लाख रुपये का नकद
पुरस्कार भी मिला और उन्हें खादी का एक शॉल और प्रमाण पत्र भी दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बनेगा, मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मनोज दास को। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, मनोज दास जी को अभी मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह कौन है, वह किस भाषा के लेखक हैं, तो वो ओडिया और अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। यह पुरस्कार भुवनेश्वर के साहित्यिक समारोह में दिया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर डीप क्वेश्चन पूछेंगे पूछ सकते हैं कि इस पुरस्कार में पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है, तो 1,00,000 रुपए की नकद राशि दी जाती है और खादी का एक शॉल और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। ठीक है, प्रमुख बिंदु इसके देख लीजिए। ओडिशा के भुवनेश्वर में 8 से 9 फरवरी में महोत्सव आयोजित किया जा रहा था। इसमें कविता पाठ, पैनल चर्चा, व्याख्यान, संगीत समारोह, नृत्य प्रदर्शन का सम्मेलन भी शामिल था। 2 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य भारत और दुनिया दोनों में साहित्य की गहरी जानकारी देना था, जो भक्ति की आकर्षक स्थिति की बारीकियों को एक झलक देने का वादा करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज है, पेंगोलिन की पहचान चीन में कोरोना वायरस के मेजबान के रूप में की जाती है। एशिया के सबसे ट्रैफिक स्तनधारी पेंगोलिन की चीन के शोधकर्ताओं द्वारा 7 फरवरी 2020 को वायरस के मेजबान रूप में पहचाना गया है। ठीक है, चीन में वुहान शहर के एक बाज़ार में लगभग 636 लोगों की मौत का प्रकोप पेंगोलिन के माध्यम से शुरू हुआ है। ठीक है, प्रमुख बिंदु इसके क्या है, चीन में संक्रमित व्यक्तियों में से वायरस के उपभेदों के लिए पेंगोलिन से अलग किए गए कोरोना वायरस का जीनोम अनुक्रम 99% के समान था। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जो कोरोना वायरस था उसका मेजबान मतलब कि उसका जो विक्टिम था वो कौन था, तो पेंगोलिन नामक एक स्तनधारी होता है, तो उसमें से ये जो वायरस है वहाँ से डिस्चार्ज हुआ होगा, ऐसा मानना है वहाँ के वैज्ञानिकों का। ओके, तो ये पेंगोलिन आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HAL को हल्के उपयोगिता हेलीकॉप्टर का उत्पादन करने की मंजूरी मिली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हल्के उपयोगिता हेलीकॉप्टर के लिए DRDO के अनुसंधान और विकास विभाग से प्रारंभिक मंजूरी मिली है। निकासी इसके उत्पादन का मार्ग प्रशस्त कर देगी। LUH चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की जगह लेगा। ओके, इसके प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे, LUH एक सिंगल इंजन और 3 टन उपयोगी हेलीकॉप्टर है। इसे भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी रूप में डिज़ाइन किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों और जलवायु परिस्थितियों में 550 से अधिक उड़ानों के लिए 3 प्रोटोटाइप बनाए गए हैं। सभी इलाकों में और सभी मौसम की परिस्थितियों में LUH के बुनियादी विन्यास के प्रदर्शन का परीक्षण किया गया है, जिसे संतोषजनक परिणाम दिया गया। तो अब क्वेश्चन बन जाएगा कि जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसे हल्के उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। अब ये जो हेलीकॉप्टर होंगे वे चीता और चेतक जो हेलीकॉप्टर है उनकी जगह लेने के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीदर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, तो एक जगह बीदर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पर किया गया, 8 फरवरी 2020 को CAVM येदियुरप्पा ने एक कार्यक्रम में बीदर हवाई अड्डे को राष्ट्र को समर्पित करके बीदर के लोगों के लंबे समय के सपने को पंख दे दिए हैं। इसके प्रमुख बिंदु है, मुख्यमंत्री ने शहर के बाहरी इलाके चदौरी में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो अब BS येदियुरप्पा हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा ये कहाँ पर हैं। ठीक, तो ये हैं हमारे कर्नाटक के CM और वहाँ की कैपिटल हो जाती है बेंगलुरु, तो और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, IT सेक्टर्स में सर्वप्रथम रहता है, और अभी जो ट्रैफिकिंग की जो भी रिपोर्ट आई है उसमें बेंगलुरु जो है वो प्रथम स्थान पर है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जो होता है टॉप 10 में पहले नंबर पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा स्पेशल नॉलेज से, तो स्पेशल नॉलेज में हम SAARC ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। SAARC की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यालय है काठमांडू, राजभाषा यहाँ की जो है वो अंग्रेजी हो जाएगी SAARC की, और महासचिव है अमजद बी हुसैन, मुख्यालय आपको काठमांडू नेपाल में मिलेगा।
स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो ढाका में 1885 में हुई, 1985 में हुई थी बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की कैपिटल होती है ढाका और करेंसी होती है टका। शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, अब्दुल हामिद जो हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। संप्रीति नामक अभी सैन्य अभ्यास उनके साथ ऑर्गेनाइज किया गया है मेघालय के उमरोई ज़िले में। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है करंट के बेस से। संप्रीति नामक जो सैन्य अभ्यास है वो तो होता है भारत और बांग्लादेश के मध्य पर, जो अभी 2020 में हुआ है फरवरी के अंदर, तो वो हुआ है मेघालय के उमरोई में। ओके, अब बात जो ये दक्षेस है, सार्क है, दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की संख्या जो है संख्या वो 1.5 अरब है और यह किसी भी क्षेत्र संगठन की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान द्वारा मिलकर की गई। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया था। अब भारत की कैपिटल आप सभी को पता है पाकिस्तान की इस्लामाबाद होती है, ढाका होती है बांग्लादेश की, श्रीलंका की जो है जयवर्धनेपुरम कोट्टे, नेपाल की काठमांडू और माले होती है मालदीव की, भूटान की करेंसी कैपिटल होती है थिम्पू और वहाँ की करेंसी हो जाती है नगुलतरम। अफगान की कैपिटल होती है काबुल और वहाँ की जो करेंसी है वो है अफगानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा हमारा स्टेट रहेगा। स्टेट को हम आज फिर से डिस्कस करेंगे, बंगाल को। अब हम जो भी स्टेट है उसे रिपीट में बार बार डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि है ना एक बार जो भी हम पढ़ लेते हैं फिर बार बार उसको पढ़ लेंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और रिवीजन के साथ साथ हमें याद भी हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ओके, राजधानी है कोलकाता, सबसे बड़ा शहर भी यहाँ का कोलकाता है और राज्यपाल की बात करेंगे तो वो हैं जगदीप धनखड़। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनका जो नियुक्ति हुई है वो अभी नई हुई है। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में मेंशन किया था, तो फियर ऑफ सिटीजनशिप जो है इन्होंने पुस्तक लिखी है, नागरिकता आतंक को हिंदी में कहेंगे इसको, फियर ऑफ सिटीजनशिप ममता बनर्जी के द्वारा पुस्तक लॉन्च की गई है अभी 2 दिन पहले। राज्य की पक्षी जो यहाँ का है वो है वॉर्न उल्लू, राज्य की पशु भारतीय हाथी है। जिला अगर पश्चिम बंगाल में पूछे जाएंगे तो वो है 23। विधानमंडल जो है वहाँ की एक सदनात्मक है। विधानसभा की सीटें जो हैं 295 हैं, लोकसभा की सीटें जो हैं 42 हैं, राज्यसभा की सीटें 16 हैं। और भाषाएं अगर पूछी जाएंगी ऑफिशियल लैंग्वेज तो वो बंगाली और अंग्रेजी भाषा है। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है, इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार है। प्रमुख नदियां अगर पूछी जाएंगी तो भागीरथी, गंगा, दामोदर, हुगली नदी और महानंदा नदी आपको पश्चिम बंगाल के अंदर मिलेगी। भागीरथी नदी पर कौन सा डैम है? टिहरी डैम है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, टिहरी डैम जो है, टिहरी बांध है, वो आपको भागीरथी नदी पर मिलेगा। और दामोदर को बंगाल का सोक भी कहा जाता है, जिस प्रकार कोशी को कहते हैं ना, कोशी को कहते हैं बिहार का सोक, दामोदर को कहते हैं बंगाल का सोक। हुगली नदी जो है इसके किनारे कोलकाता जो है कैपिटल वो बसा हुआ है। गंगा नदी की अगर पूछी जाएगी तो 25-25 इतना याद रखना, इसकी लेंथ जो है 25-25 होती है। ठीक है, तो 1525 कह सकते हैं। ठीक, और सुंदरवन नेशनल पार्क जिसमें बाघ का संरक्षण किया जाता है वो भी आपको पश्चिम बंगाल के अंदर मिलेगा। जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य भी आपको पश्चिम बंगाल के अंदर मिलेगा। यहाँ के प्रमुख त्यौहार दुर्गा पूजा और काली पूजा होती है। अगर लोक नाट्य पूछा जाएगा पश्चिम बंगाल का तो आप बताएंगे जात्रा। ओके, हवाई अड्डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो आपको बंगाल के अंदर मिलेगा और इसका पूर्व नाम था दमदम हवाई अड्डा। प्रमुख फसलें यहाँ की गेहूं, मक्का, जौ, पटसन, चना, मटर हैं। और प्रमुख पर्वत अगर पूछे जाएंगे तो हिमालय और शिवालिक पर्वत जो हैं प्रमुख पर्वत हैं। प्रमुख शोध संस्थान और अनुसंधान केंद्र कौन कौन से? तो राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन जो कि कोलकाता में है, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट है,
बिरला प्लेटेरियम है, सेंट्रल जू टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कई बार आया हुआ है एग्जाम में। पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो कोलकाता के अंदर है विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, कालीघाट, टाइगर हिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर एवं बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जैन मंदिर। देखो जो नेशनल लाइब्रेरी है, राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ये कोलकाता के अंदर है। ओके, अब बात करेंगे स्टैटिक पोर्शन की। तो स्टैटिक पोर्शन में विश्व बैंक को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। विश्व बैंक जो कि वर्ल्ड बैंक है, इसका टैगलाइन है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। स्थापना इसकी जुलाई 1944 में हुई थी, 75 साल पहले। मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में है। प्रमुख लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डेविड मालपास जो है प्रेजिडेंट है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है वो है CEO, और पॉल रोमर जो है मुख्य अर्थशास्त्री हैं। अब इसी के साथ तो सिक्किम के वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क भी डिस्कस कर लेते हैं। फम्बोग लहो वन्यजीव अभयारण्य, पंगालक वन्यजीव अभयारण्य, बरसे रोडोडेंड्रोन अभयारण्य, क्यूंगलो सन अल्पाइन अभयारण्य, मेनम वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपको सिक्किम के अंदर मिल जाएंगे। सिक्किम की कैपिटल आप सभी को पता ही होगी, गंगटोक होती है। ओके, कॉनराड संगमा जो है वो वहाँ पर CM मिल जाएंगे आपको। अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम डिस्कस करेंगे, तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मुझे पता है कि आप पढ़ने वाले हैं, तो आपको वीडियो पूरा वॉच करना है। ओके, पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो ये तो आप सभी को पता है, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है निर्माण कराया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है? तो इनमें से लोथल जो है गुजरात में, वहाँ पर बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का मिल जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश भारत में ऐसा राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो चीन उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो असम राज्य जो है 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम के अंदर ही है, कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है सिक्किम के अंदर आपको मिलेगा। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो बुध ग्रह है, मरकरी इसको इंग्लिश में कहते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको मालीगांव में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाला चीनी में क्या पाया जाता है? चीनी में तो सुक्रोज पाया जाता है। जो हम चीनी यूज़ करते हैं पर डे चाय में, दूध में, तो वो चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के जो निर्माता थे वे कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के जो फाल्के जी थे वो थे, और ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है अमिताभ बच्चन को अभी हाल ही में दिया गया है। तो ये भी आपके लिए 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन जी को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक GS के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप जो सीख रहे हैं और सभी लोग सीखें, सभी का भला हो। और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल अवश्य रखिएगा, और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता के लिए तत्पर रहिए हमेशा, और मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।